बोलेंगे पीएच लेस देन क्या हम लोग बोलेंगे 7 है, ठीक है। तो पीएच लेस देन 7 में देख सकते हैं प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है, नेट चार्ज प्लस 1 हुआ, और हम लोग बोलेंगे ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स बोलेंगे। अब देखो अगर हम लोग पीएच को क्या कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तब क्या होगा देख सकते हैं, तब क्या होगा देखो ध्यान से, तब यहां पर देखो मैं ऐसे करके एक कंटेनर बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर क्या है देख सकते हैं, यहां पर मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ठीक है। अब यही है ना जुटेर आयन, मतलब पीएच 7 है ना, इसी पीएच 7 को हम लोग क्या करते रहे, बढ़ा दे रहे, ठीक है, बढ़ा दे रहे, ठीक है, मतलब क्या करते रहे, 7 से ज्यादा कर रहे, मतलब कैसा पीएच कर दे रहे, बेसिक पीएच कर दे या अल्कलाइन पीएच कर दे रहे, तब क्या होगा, तब ये स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा। तो देखो इसको मैं बना रहा हूं यहां पर मैं बना रहा हूं NH3+, ठीक है, ये क्या चीज है सी अल्फा, ये क्या चीज है COO-, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे H, और ये क्या चीज है साइड चेन, यही है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर हम लोग पीएच बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पीएच बढ़ाएंगे, मतलब 7 से जब आगे जाएगा, मतलब पीएच क्या चीज है हम लोग बोलेंगे पीएच ग्रेटर देन क्या चीज हम लोग बोलेंगे 7, या इसको आप लोग ऐसे ले सकते हैं पीएच ग्रेटर देन 7, तब क्या होगा जुपिटर आयन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो तब हम लोग बोलेंगे क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि ये पीएच क्या चीज हम लोग बोलेंगे बेसिक पीएच है ना, ठीक है, बेसिक पीएच है, मतलब इसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज कम है ना, ठीक है, मतलब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो चूंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये H प्लस आयन किसके साथ जुड़ेगा नहीं, रादर हम लोग बोलेंगे क्या होगा यहाँ पर ये जो देखो ये जो NH3 प्लस है या एमिनो ग्रुप है उससे क्या होगा हम लोग बोलेंगे उससे क्या होगा H प्लस क्या होगा हम लोग बोलेंगे बाहर निकलेगा, ठीक है, उससे क्या होगा हम लोग बोलेंगे H प्लस बाहर निकलेगा, ताकि ये किसको कंपनसेट कर सके, ये जो कम H प्लस है उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर क्या होगा इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा चेंजेस क्या आएगा, इससे जब एक H प्लस बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा हम लोग बोलेंगे NH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जब पीएच मोर देन 7 होता है तब क्या होता है, तब हम लोग बोलेंगे या हम लोग बोल सकते हैं बेसिक पीएच है, ठीक है, बेसिक पीएच या एल्केलाइन पीएच है, या पीएच ग्रेटर देन 7 है, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे तब डीप्रोटोनेशन होगा, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन ऑफ NH3+ ऑफ ज्यूटेराइन, ठीक है, देख सकते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन क्या होगा NH3+ ऑफ ज्यूटेराइन से कहां जाएगा सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं कब, जब हम लोग बोलेंगे पीएच ग्रेटर देन 7 है। दूसरा क्या होगा हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन होगा तो नेट चार्ज क्या होगा, देखो पहले ज्यूटेराइन का चार्ज क्या था, 0 था, अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज क्या होगा, देखो ध्यान से -1, ठीक है, मतलब नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा ग्रेटर देन 7 पीएच पे नेट चार्ज होगा नेगेटिव होगा -1 होगा, या इसको हम लोग नेगेटिव भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा जो एमिनो एसिड है ऐसा एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड क्या चीज एमिनो एसिड्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे टाइट्रेशन ऑफ क्या चीज डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का, कि जब पीएच लेस देन 7 होता है 7 से कम होता है तो प्रोटोनेशन होता है COO- ऑफ ज्यूटर आयन का, ठीक है, नेट चार्ज +1 होता है और ये एमिनो एसिड्स को क्या बोलेंगे प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स, याद करने का तरीका LPPC, मतलब लो पीएच पे प्रोटोनेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये हाई पीएच पे क्या होगा, हाई पीएच का पे याद करने का तरीका क्या होगा हम लोग बोलेंगे HPN, याद रखना HPNDN, ठीक है, HPNDN याद रखना है। हाई पीएच पे क्या होगा डीप्रोटोनेशन होगा किसका ज्यूटर आयन का, में जो NH3+ है उससे एक प्रोटोन हट जाएगा, ठीक है, नेट चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा -1 होगा और ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स बोलेंगे। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है HPNDN, ठीक है, HP का मतलब होगा हाई पीएच, ठीक है, N का मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, D का मतलब क्या होगा डीप्रोटोनेशन किससे हम लोग बोलेंगे NH3+ जो है किसका ज्यूटर आयन उससे, मतलब एमिनो ग्रुप से, ठीक है, आप देख सकते हैं ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये रखना याद कि पीएच 7 पे चार्ज क्या होगा 0 होगा, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होगा,
एसिडिक पीएच पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन होगा किसका, COO- ऑफ ब्यूटेरियन का। और बेसिक पीएच पे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देख सकते हैं चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप ऑफ क्या चीज, ज्यूटर आयन का। ठीक है, इसको याद रखना। क्यों याद रखना, अगर याद नहीं है तो ऐसे भी आप जो मैं समझाया हूं उससे दिमाग में रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इसको समझाने के बाद अभी मैं ये इसी कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करूंगा क्या चीज से, हम लोग बोलेंगे पीके वैल्यू से। ठीक है, किससे कोरिलेट करूंगा, पीके वैल्यू से कोरिलेट करूंगा। तो ये पीके क्या होता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। जिसमें हम लोग बोलेंगे तीन टाइप का पीके वैल्यू होता है, एक को बोलते हैं पीके वन, दूसरा को बोलते हैं पीके टू। ये होगा हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए, और ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए पीके वन, पीके टू और हम लोग बोलेंगे पीके आर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आपको जानना पड़ेगा जो मैं बता दिया हूं, जो कि बहुत आसान है। अब देखो, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडिक पीएच जो है ना, ठीक है, एसिडिक पीएच पे देखो ध्यान से, चार्ज क्या चीज है, चार्ज क्या, और हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हो रहा है। तो एसिडिक पीएच पे अगर यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दिया जाए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट को लगा दिया जाए, ठीक है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये मान लो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट को लगा दिया जाए, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, मतलब एक तरफ क्या हो, हम लोग बोलेंगे एक तरफ क्या हो, एक तरफ हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज रोड हो, या हम लोग बोलेंगे प्लेट हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। दूसरे तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तब ये जो प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स हैं किस पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, ये इसका माइग्रेशन किस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव मतलब कैथोड की तरफ तो मूव करेगा नहीं, मतलब हम लोग बोलेंगे किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव मतलब हम लोग बोलेंगे एनोड की तरफ मूवमेंट होगा किसका, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स का, किस पीएच पे, हम लोग बोलेंगे एसिडिक पीएच पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एसिडिक पीएच पे जो एमिनो एसिड्स होता है उसका मूवमेंट किस तरफ होता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स भी हम लोग बोलेंगे एनोड। ठीक है, याद रखना है, क्यों, क्योंकि एसिडिक पीएच पे जो एमिनो एसिड्स उसमें चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एनोड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स को, प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब मूवमेंट किस तरफ होगा, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे किस तरफ होगा, एनोडिक प्लेट के तरफ होगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल पीएच पे मूवमेंट नहीं हो रहा था ज्यूटर आयन का, आप देख सकते हैं, ना ही ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, ना ही एनोड की तरफ मूव करता, क्योंकि चार्ज क्या दोनों में इक्वल है, किस पॉजिटिव इतना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर माइग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, एनोड की तरफ। सिमिलरली अगर देखो ध्यान से, अगर हम लोग बेसिक पीएच पे देखो ध्यान से, ये जो अमीनो एसिड्स है ना, इसका माइग्रेशन किस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कैथोड की तरफ होगा, क्या एनोड की तरफ होगा, तो देखो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैथोडिक प्लेट है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एनोड है या एनोडिक प्लेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए या इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट को लगा दिया जाए इस सॉल्यूशन में, तब ये जो डीप्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स है ना, जो हम लोग बोलेंगे बेसिक पीएच पे डीप्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स हो गया। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे, देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब ये किस तरफ मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे कैथोड। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स, जब पीएच क्या हो, हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन 7 हो या मोर देन 7 हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल पीएच पे, क्योंकि न्यूट्रल पीएच पे ज्यूटर आयन हम लोग बोलेंगे ना ही एनोड की तरफ मूव करेगा, ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे जब पीएच कम है, एसिडिक पीएच पे याद रखना है, जो एमिनो एसिड्स है प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, बेसिक पीएच पे जो एमिनो एसिड्स है डीप्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, बहुत आसान है, तो ये याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके क्या करेंगे, पीए वैल्यू हम लोग पता करेंगे कि क्या होता है, पीके वन पीके टू क्या होता है, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना, जो न्यूमेरिकल्स आता है डाइप्रोटिक एमिनो एसिड से वो बहुत आसान होता है, दो वैल्यू दिया रहता है, दोनों का एवरेज निकालना रहता है। ठीक है, तो वो क्या न्यूमेरिकल्स होता है, कैसे करके सॉल्व करना है, वो हम लोग तब जान पाएंगे जब हम लोग को पता होगा ये पीके वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, पीके वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो भी मैं बताया हूँ उसको ही मैं ऐसे करके बनाया हूँ। देखो ध्यान से, ये न्यूट्रल पीएच पे देख सकते हैं क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है,
न्यूट्रल पीएच का मतलब हो गया अराउंड 7 पीएच, या हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होता है 7 पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जिटर आयन का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। और इसी पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, पीआई बोलते हैं, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पीएच होता है जिस पर जिटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जहां पर नेट चार्ज क्या होता है हम लोग बोलेंगे जीरो होता है, ठीक है। और एमिनो एसिड्स को हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड्स बोलेंगे क्योंकि नेट चार्ज ही जीरो है, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो यहां पर इस ज्यूटर आयन का माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा, ना ही ये कैथोड की तरफ जाएगा, ना ही ये एनोड की तरफ जाएगा, कौन ज्यूटर आयन, ठीक है, सिंपल जो मैं बताया हूं। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग पीएच को क्या कर दे, अगर हम लोग पीएच को क्या कर दे, हम लोग बोलेंगे कम कर दे, ठीक है, पीएच को कम कर दे। तो इसको मैं समझाने के लिए यहां पर ऐसे करके बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मान लो ये इतना बड़ा सा कंटेनर है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि इतना बड़ा सा क्या है कंटेनर, ऐसे करके मैं बना दे रहा हूँ समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत आसान है ये, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ठीक है। ये कंटेनर का देखो ध्यान से, सबसे पहले जब पीएच, ये कंटेनर का पीएच जब 7 था, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या बना, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ, और हम लोग बोलेंगे जिसका नेट चार्ज जीरो है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है, कोई भी माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं हुआ। अब हम लोग बोलेंगे ये जो कंटेनर का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर दे, एसिडिक करने लगे, मतलब पीएच क्या करने लगे, हम लोग बोलेंगे क्या करने लगे, कम करने लगे, मतलब पीएच लेस देन 7, यहां पर पीएच कितना था 7 था, अब हम लोग बोलेंगे 7 से कम कर रहे हैं पीएच। तब क्या हुआ था देखो ध्यान से, तब क्या हुआ था हम लोग बोलेंगे, तब क्या हुआ था, प्रोटोनेशन हुआ था, याद करो मैंने बताया था किसका प्रोटोनेशन हुआ था, हम लोग बोलेंगे COO माइनस जो ज्यूटर आयन का, उससे क्या जुड़ने लगा था, हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन जुड़ने लगा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पीएच कम हो रहा है मतलब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से H प्लस किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे COO माइनस के साथ जुड़ गया। तो ऐसा हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ज्यूटर आयन से क्या चीज, कौन से अमीनो एसिड्स बन गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स बन गया सेम सॉल्यूशन में, ठीक है, जब पीएच को कम किया था, ठीक है। और इसका हम लोग बोलेंगे जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लस वन चार्ज है, ठीक है, यहां पर क्या था जीरो था। अब ये जो प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड, एनोडिक प्लेट, और एनोड क्या होता है नेगेटिव चार्ज प्लेट होता है, और ये अमीनो एसिड्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये टुवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेगी, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलरली उधर जो मतलब पीएच को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हुआ था, देख सकते हैं पीएच को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब पीएच का अगर ये कंटेनर का सॉल्यूशन को अगर हम लोग बेसिक कर दे, मोर देन 7 कर दे पीएच, तब क्या होता है ज्यूटर आयन में क्या चेंजेस हुआ था, हम लोग बोलेंगे ये जो NH3+ है ना, उससे क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ था, प्रोटोन हटने लगा था, ठीक है, मतलब डी प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर नेट चार्ज क्या था, देख सकते हैं माइनस है, मतलब माइनस वन है, और ये माइग्रेट करेगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है, ठीक है, और ये अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज है, देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब समझना है क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीके का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम लोग पीएच, देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम लोग पीएच कम करते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे पीएच कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या, और हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हो रहा है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। लेकिन एक पीएच ऐसा आएगा, हम लोग बोलेंगे एक पीएच ऐसा आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच 2, ठीक है, रेंज क्या है पीएच 2, ठीक है। इस पीएच पे हम लोग बोलेंगे अब और प्रोटोनेशन नहीं होगा, ठीक है, अब और प्रोटोनेशन नहीं होगा, रैदर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रैदर हम लोग बोलेंगे ये जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ठीक है, ये जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, इससे क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेशन होने लगेगा, ठीक है, क्या होने लगेगा, डी प्रोटोनेशन होने लगेगा, ठीक है। किस पीएच पे हम लोग बोलेंगे पीएच 2, जैसे जैसे हम लोग पीएच कम कर रहे थे तो बिल्कुल प्रोटोनेशन हो रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही पीएच 2 आ जाता है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और प्रोटोनेशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब क्या होने लगता है, हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डी प्रोटोनेशन स्टार्ट हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन ऑफ क्या चीज, COOH, ये वाला, ठीक है, डी प्रोटोनेशन स्टार्ट हो गया, याद रखना है, ठीक है। किस पीएच पे स्टार्ट हुआ, तो याद रखना है पीएच को हम लोग बोलते हैं 2, ठीक है, और इसी पीएच को हम लोग बोलते हैं पीके, ठीक है, पीके वैल्यू बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीके वैल्यू बोलेंगे, ठीक है।
तो पीके वैल्यू कुछ नहीं, आप लोग बोलेंगे पीके वैल्यू वैसा पीएच होता है जिस पीएच पे क्या होने लगे, हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन होने लगे, किसका हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो यहां पर अब देखो ध्यान से, पीएच टू जब हो जाएगा तो पीएच टू में क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होने लगेगा, डीप्रोटोनेशन होने लगेगा। मतलब जैसे जैसे अब पीएच हम लोग बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। और ये स्ट्रक्चर फिर जब पीएच 7 आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, फिर से हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीएच टू है ना, ठीक है, ये पीएच टू से क्या, इसी पीएच टू को हम लोग क्या बोलेंगे, पीके वन वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीके वन वैल्यू बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो पीके वन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पीके वन, हम लोग बोलेंगे याद रखना है, पीके वन वैसा वैल्यू होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड जो अमीनो एसिड्स है ना, उसका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, अब वो क्या होने लगे, हम लोग बोलेंगे अपना प्रोटोन को डोनेट करने लगे, ठीक है। तो यहां पर से क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक प्रोटोन क्या होने लगेगा, डोनेट होने लगेगा, किससे, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, पीके वन बोलेंगे, जिस पीएच पे क्या होने लगे, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से क्या होने लगे, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन डोनेट होने लगे, उस पीएच रेंज को ही हम लोग बोलेंगे पीके वन, ठीक है, या पीके वन वैल्यू, याद रखना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देख सकते हैं, जैसे 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 पीएच टू हो जाएगा, टू से फिर थ्री होगा, थ्री से फोर होगा, वैसे वैसे अब क्या होने लगे, हम लोग बोलेंगे ये सी ओ ओ एच, एक तो एमिनो सिक्स रहेगा और भी रहेगा, वो क्या होने लगेगा, एच प्लस को लूज करता चला जाएगा। और जैसे जैसे पीएच 7 हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर फिर किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन में चेंज हो जाएगा। मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, देख सकते हैं चार्ज क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर देखो मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ पीके वन एंड पीके टू वैल्यू के लिए, ठीक है। हमेशा रखना याद, देखो हमेशा रखना याद, जो पीके वन होता है ना, पीके वन जो वैल्यू होता है ना, ठीक है, वो यूज किया जाता है हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज ये रखना याद, पीके टू वैल्यू जो होता है ना, ठीक है, वो यूज किया जाता है हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप के लिए, याद रखना है, ठीक है। और एक वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए पीके वन एंड पीके टू वैल्यू यूज किया जाता है, ठीक है। और एक एमिनो एसिड्स होता है जिसको बोलते हैं ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स, जिसके लिए हम लोग बट यूज करते हैं पीके आर। पीके आर वैल्यू जो होता है ना, वो यूज किया जाता है हम लोग बोलेंगे साइड चेन के लिए, ठीक है, साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो अब ये ट्रिक को यूज करो, यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पीके वन वैल्यू किसके लिए यूज किया था, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए। तो पीके वन वैल्यू में क्या होगा, पीके वन वैल्यू में याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एच प्लस लॉस होगा, ठीक है। मैं क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एच प्लस लॉस होगा या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन लॉस होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीके वन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर समझना है, देखो ध्यान से, पीके वन वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा, जो एमिनो एसिड है ना, वो एमिनो एसिड्स को क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड्स कैसा एमिनो एसिड्स है, देख सकते हैं प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स है, देख लो यहाँ पर। और ये प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स से जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगर यहां से एच प्लस या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन लॉस होगा, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीके वन बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स हो, याद रखना, हमेशा रखना याद, प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से अगर H प्लस या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन लॉस करेगा, तब इसके लिए जो वैल्यू यूज किया जाता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे पीके वन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और पीके का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो पीके का फुल फॉर्म याद रखना होता है माइनस लॉग ऑफ एसिडिक, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं माइनस लॉग ऑफ एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो वही देखो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ, प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एच प्लस, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से H प्लस क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लॉस हुआ है, किस पीएच पे, हम लोग बोलेंगे पीएच 2 पे, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग पीएच 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, पीके 1 वैल्यू बोलेंगे। तो पीके 1 किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, किस एमिनो एसिड्स का, याद रखना है प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स का, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर, अब पीके 2 किसके लिए यूज किया जाता है, तो पीके 2 जो वैल्यू होता है वो यूज किया जाता है हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर
अगर ज्यूटर आयन से, देखो ध्यान से, ये जो ये कौन सा आयन है हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन है, ये वाला NH3+, ठीक है, ये क्या चीज है सी अल्फा, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है COO-, यहाँ पर क्या है साइड चेन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ज्यूटर आयन, देख सकते हैं यही वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो ध्यान से ज्यूटर आयन, अगर ज्यूटर आयन में ये जो हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप है, ज्यूटर आयन में ये जो एमिनो ग्रुप है NH3+ जो है, ठीक है, अगर इससे क्या हो हम लोग बोलेंगे, अगर इससे क्या हो प्रोटोन लॉस हो, ठीक है, अगर इससे क्या हो हम लोग बोलेंगे प्रोटोन लॉस हो, किससे, ज्यूटर आयन के NH3+ या हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप से क्या हो हम लोग बोलेंगे प्रोटोन लॉस हो, ठीक है, तब हम लोग जो वैल्यू दिया जाता है इसके लिए उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं pKa2 बोलते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे इस वैल्यू को pKa2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है pKa1 एंड pKa2 में, देखो ध्यान से, pKa1 के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स होना पड़ेगा, पहला प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स में क्या होना पड़ेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वहां से एच हटेगा, ठीक है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे pKa1 वैल्यू, ठीक है। और pKa2 के लिए क्या होगा हम लोग बोलेंगे जो एमिनो एसिड्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन के फॉर्म में होगा, ठीक है, ज्यूटर आयन में देख सकते हैं जो एमिनो एसिड ज्यूटर आयन, जो एमिनो एसिड्स का जो ज्यूटर आयन फॉर्म है इसमें से जो एमिनो ग्रुप है या NH3+ है, ठीक है, अगर इससे प्रोटोन का लॉस हो, ठीक है, तब उसके लिए हम लोग जो वैल्यू देते हैं उसको क्या बोलते हैं pKa2 बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हम लोग बोलेंगे किसमें, यहां पर, ठीक है। और एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, ये डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए, डाइप्रोटिक का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे कि कोई एमिनो एसिड्स में क्या है दो प्रोटीन प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है, देख सकते हैं यहां पर ये एमिनो एसिड्स है, इसमें ये प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें ये प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइप्रोटिक, ठीक है। तो pKa2 इसके लिए यूज किया था, हम लोग आगे पढ़ेंगे pKa वैल्यू भी होता है, अगर मान लो कि साइड चेन, देख सकते हैं अगर साइड चेन, याद रखना है साइड चेन से, बताऊंगा आगे जाके, अगर साइड चेन से क्या हम लोग बोलेंगे, क्या हम लोग बोलेंगे H+ आयन क्या हो जाए लॉस हो जाए या डोनेट हो जाए, तब हम लोग वहां पर वैल्यू लिखेंगे, उस वैल्यू को हम लोग pKa बोलते हैं। ये ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए यूज किया था pKa1 pKa2 एंड pKa वैल्यू, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए यूज किया था pKa1 एंड pKa2 वैल्यू, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो यहां पर मैं pKa2 का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, अगर देखो यहां पर ध्यान से, जैसे जैसे pH, यहां पर pH2 में क्या हो रहा था, जैसे pH2 में क्या हो रहा था, ये प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड से क्या हो रहा था हम लोग बोलेंगे, ये जो H है मतलब प्रोटोन क्या हो रहा था हम लोग बोलेंगे लॉस हो रहा था, ठीक है, याद करो यही था जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, और तो इस जो ये जो pH है उसको हम लोग बोल रहे थे pKa1 वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे pH बढ़ेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, देखो pH 7 पे ज्यूटर आयन बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे pH और बढ़ेगा, मतलब pH कितना हम लोग बोलेंगे, कितना हो जाए pH हम लोग बोलेंगे 9 हो जाए, ठीक है। pH मान लो pH कितना हो गया हम लोग बोलेंगे, मान लो pH 9 हो गया, pH 9 में क्या होता है, pH 9 में क्या होता है, देखो ध्यान से, ज्यूटर आयन से pH 9 में, याद रखना है ज्यूटर आयन से क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होने लगेगा, डीप्रोटोनेशन होने लगेगा, मतलब H+ आयन लॉस करने लगेगा, ठीक है। तो इससे एक H+ आयन निकलेगा, तो स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाएगा ना, मतलब ये क्या बन गया, ज्यूटर आयन किस फॉर्म में आ गया हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स के फॉर्म में आ गया, किस pH पर हम लोग बोलेंगे pH 9 पे, ठीक है। तो जिस pH पे, याद रखना है, जिस pH पे ज्यूटर आयन का क्या हो NH3+ जो है या एमिनो ग्रुप है उससे H+ आयन हटने लगे, उसी pH को हम लोग क्या बोलते हैं pKa2 वैल्यू बोलते हैं, जो मैंने यहां पर बताया, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया pKa1 वैल्यू यूज किया जाता है हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसमें जब H+ लॉस होगा उसके लिए, और pKa2 वैल्यू उसके लिए यूज किया था हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन में जो NH3+ है अगर इससे H+ आयन लॉस हो, प्रोटोन का लॉस हो, तब इस वैल्यू को बोलेंगे pKa2। तो pKa1 एंड pKa2 कुछ नहीं, हम लोग बोलेंगे pKa1 एंड pKa2 वैसा वैल्यू होता है, एक्चुअल में क्या होता है हम लोग बोलेंगे pH रेंज ही होता है, जिस pH पे क्या हो हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स क्या करने लगे, हम लोग बोलेंगे क्या करने लगे, अपना H को या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन को लॉस करने लगे, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन क्या करने लगे, ज्यूटर आयन में जो एमिनो ग्रुप है NH3+ है वो अपना प्रोटोन को लॉस करने लगे, ठीक है। तो उसी pH को हम लोग क्या बोलते हैं pKa1 एंड pKa2 वैल्यू बोलते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये वाला बीच का जो, देखो ध्यान से, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ज्यूटर आयन, और ये किस pH पे हम लोग बोलेंगे pH 7, और इस पे नेट चार्ज कितना हम लोग बोलेंगे, नेट चार्ज देख सकते हैं प्लस, यहां पर -0 है, ठीक है।
तो पीआई क्या हो गया, इसी को तो हम लोग बोल रहे ना पीआई, मतलब जिस पीएच पे हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज क्या हो एमिनो एसिड्स में, जीरो हो या हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड न्यूट्रल हो, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी उस पीएच पे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई बोलेंगे। ठीक है, तो पीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए याद रखना पीआई का जो फॉर्मूला होगा ना, ठीक है, वो याद रखना ज्यूटर आयन के पहले वाला पीके वैल्यू, ठीक है, और ज्यूटर आयन के बाद वाला पीके वैल्यू, इसको इसको जोड़ना है, मतलब ज्यूटर आयन के पहले वाला पीके वैल्यू को हम लोग बोलेंगे पीके वन, ठीक है, प्लस ज्यूटर आयन के बाद वाला जो पीके वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीके टू डिवाइडेड बाई हम लोग बोलेंगे टू। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे एवरेज ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे पीके वैल्यू है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पीके वन प्लस पीके टू डिवाइडेड बाई टू, याद रखना है। जब भी कभी कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, ऐसे करके कोई एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर दे दिया रहे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले खोजना क्या चाहिए ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन जहां पर भी प्रेजेंट है तो उसके पहले वाला जो वैल्यू होगा वो याद रखना हमेशा क्या होगा पीके वन होगा, ज्यूटर आयन के बाद वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा हम लोग बोलेंगे क्या होगा पीके टू होगा, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के लिए। दोनों को ऐड करना और दो से डिवाइड कर देना, तब क्या निकल जाएगा हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का पीक, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीके वन वैल्यू भी मैंने बता दिया, समझा दिया, पीके टू के बारे में भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स से रिलेटेड। ठीक है, कि कुछ न्यूमेरिकल्स में याद रखना है, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का जो न्यूमेरिकल्स होगा उसमें हमेशा पीके वन एंड पीके टू वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्योंकि दो ही तो मतलब डाइप्रोटिक में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो ही तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, एक पीके वन एंड एक एन, हम लोग बोलेंगे पीके टू, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देना, आंसर निकल जाएगा, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक यहाँ पर कंक्लूजन बताना चाहता हूँ, कंक्लूजन क्या बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर कंक्लूजन ये मैं बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, अगर देखो यहाँ पर अगर याद रखना, अगर पीएच, ठीक है, अगर पीएच हम लोग बोलेंगे लेस देन पीआई रहे, ठीक है, मतलब पीएच क्या रहे हम लोग बोलेंगे लेस देन पीआई, मतलब लेस देन सेवन रहे, ठीक है, तब क्या होगा, तब मैंने बताया तब क्या होगा, तब होगा हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, याद रखना है, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन होगा। याद करने का तरीका मैं क्या बताया था, एल पी 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 सी, मतलब एल मतलब लो पीएच, लो पी मतलब पीएच, पी मतलब क्या चीज पॉजिटिव चार्ज, और पी मतलब प्रोटोनेशन, किस में हम लोग बोलेंगे सीओ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये मैंने बताया। ठीक है, दूसरा अगर मान लो कि पीएच इक्वल टू क्या रहे हम लोग बोलेंगे पीआई रहे, पीएच अगर इक्वल टू पीआई रहे तो क्या बनेगा, याद रखना है क्या रखना, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और नेट चार्ज यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीरो होगा। ठीक है, लेकिन पीएच लेस देन अगर पीआई रहे तो प्रोटोनेशन होगा, नेट चार्ज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लस वन होगा या पॉजिटिव में रहेगा चार्ज। ठीक है, इसको याद रखना। और तीसरा हम लोग बोलेंगे केस ये हो सकता है कि अगर मान लो कि पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, ठीक है, मतलब बेसिक पीएच इस तरह पर, ठीक है, ग्रेटर देन पीआई, पीआई मतलब हम लोग बोलेंगे मोर देन सेवन, ठीक है, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, तब क्या होगा याद रखना, तब डी प्रोटोनेशन होगा, ये मैंने बताया था, तब क्या होगा डी प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, याद करने का तरीका क्या था, डी प्रोटोनेशन किससे हम लोग बोलेंगे NH3 या हम NH3 प्लस से, या हम लोग बोल सकते हैं एमिनो ग्रुप से। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एच, याद करो पी एन डी एन, ठीक है, एच में मतलब हाई पीएच, ठीक है, और N का मतलब क्या चीज नेगेटिव चार्ज, D मतलब क्या चीज डी प्रोटोनेशन, N मतलब एमिनो ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज क्या होगा हम लोग बोलेंगे माइनस में रहेगा, माइनस वन रहेगा, यहाँ पर चार्ज क्या होगा प्लस में रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है ना, तो ये मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे पी आई वैल्यू कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का पीआई वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, तो ये मैं फॉर्मूला बता दिया हूँ। देखो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना अगर न्यूमेरिकल्स में दो पीके वैल्यू दिया हुआ है, अगर न्यूमेरिकल्स में याद रखना दो पीके वैल्यू दिया हुआ है हमेशा याद रखना, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का, वो क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दो पीके वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं दो पीके वैल्यू दिया, मतलब डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के बारे में ही क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा था दो नंबर में सीएसआईआर नेट में, या जो भी मतलब ये आईआईटी जैम हो गया और भी डीबीटी ये सब के एग्जामिनेशन में। ठीक है,
तो अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर भी दे दिया जाए ना, तो सबसे पहले खोजना ज्यूटर आयन कौन है। तो ज्यूटर आयन कौन है, यही है ना, देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज है, ज्यूटर आयन है। तो मैंने क्या बोला था, ज्यूटर आयन से पहले का जो पीके वैल्यू होता है और ज्यूटर आयन के बाद का जो पीके वैल्यू होता है उसका ही दो, उसका ही एवरेज लेना, याद रखना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल है। देखो ध्यान से, पहला तो ये चीज समझ में आ गई कि दो पीके वैल्यू दिया, मतलब डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के बारे में दिया हुआ, और कुछ करना नहीं है। क्या करना है, पीके इज इक्वल टू, पीआई इज इक्वल टू क्या करना है, पीके वन प्लस पीके टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, अगर याद नहीं भी रहेगा तब भी दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखो ध्यान से, पीके वन क्या कितना दिया हुआ है, पीके वन दिया हुआ है 2.02, और क्या दिया, पीके टू कितना दिया, हम लोग बोलेंगे 3.80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो ध्यान से, यही है ना, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 5 होगा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा 2.9 इतना होगा, ठीक है। तो पी आई कितना निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 2.91 निकलेगा, ठीक है। किसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो पहला चीज ये समझ में आ गया। दूसरा चीज देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से, पीके वन एंड पीके टू दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके दिया हुआ है, तो सिंपल इसका मतलब डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स के बारे में बात कर रहा है, तो कुछ करना नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट के लिए क्या करना है, पीके वन प्लस पीके टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, दोनों का एवरेज ले लेना, सिंपल। तो पीके वन क्या है, हम लोग बोलेंगे 2.2 प्लस 9.0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2 प्लस हम लोग बोलेंगे 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, हम लोग इसका आंसर होगा, देख सकते हैं, ठीक है, 5.6 यही इसका आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कभी दो पी आई, दो पी के वैल्यू दिया हुआ रहे तो याद रखना है उसमें कुछ करना नहीं है, उसका पी आई वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देना है, ठीक है, एकदम याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब दिक्कत क्या आता है, दिक्कत आता है जब तीन पी के वैल्यू दिया हुआ रहे तब क्या करना है, तब भी याद रखना है, तब भी याद रखना है कि क्या करना है, इस ज्यूटर आयन को खोजना है। ज्यूटर आयन से पहले वाला जो पी के रेंज रहेगा, दूसरा वाला जो पीके रेंज रहेगा, उसको ही जोड़ के क्या करना, दो से डिवाइड करना। कैसे करके करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन ऑफ ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स, ये सब मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।